क्या व्हीट यूज करने से आपके स्किन टोन डार्क हो सकते हैं? क्या व्हीट यूज करने से आपके स्किन में इचिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं? ना जाने व्हीट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस अभी भी अनडिस्कवर्ड है। तो इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के रियल रीजन एंड उसके सॉल्यूशन फुल डिटेल्स में बात करूंगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो गाइज, वेलकम अगेन टू आवर चैनल लियोपर्ड्स किंगडम। अगर आपको फिटनेस, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मेरे कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सो गाइस, 2021 में अगर आपको स्टाइलिश दिखना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है तो आपको बॉडी हेयर के साथ साथ अपने अंडरआर्म्स को भी शेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आपको टैंक टी शर्ट पहनना या फिर स्लीवलेस टी शर्ट पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप अपने अंडरआर्म्स को शेव नहीं करते हैं तो आप लगेंगे बहुत ही ज्यादा सिली। तो आप अपने अंडरआर्म्स को जरूर शेव करें अगर आप स्लीवलेस या फिर टैंक टी शर्ट्स पहनते हैं। तो लिटरली बॉडी हेयर को शेव करने के बहुत सारे उपाय हैं, बट व्हीट यूज करना सबसे ज्यादा इजी एंड सबसे कम पेनफुल प्रोसेस है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर व्हीट एज अ हेयर रिमूवल क्रीम। जी हाँ, तो व्हीट आपको कैसे यूज करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपने बालों के ऊपर व्हीट को अप्लाई करना है और 3-6 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली क्रीम को रिमूव कर लेना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो ले, बस दैट्स इट। सो व्हीट यूज करना इतना ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। बट कुछ लोग व्हीट यूज करने से ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि व्हीट यूज करने से उसके स्किन डार्क हो जाते हैं या फिर स्किन में इचिंग प्रॉब्लम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि आप अपने स्किन के ऊपर व्हीट को बहुत ज़्यादा टाइम तक अप्लाई करके रखते हैं, जबकि ऑफिशियली व्हीट ये क्लेम करता है कि व्हीट यूज करने से आपके स्किन कभी भी डार्क नहीं हो सकते हैं। अगर आप व्हीट को स्मार्टली यूज करते हैं, लाइक अगर आप व्हीट को अप्लाई करने के बाद 3-6 मिनट तक अपने स्किन के ऊपर रखते हैं, उसके बाद सिंपली रिमूव कर लेते हैं, तो व्हीट से आपके स्किन कभी भी डार्क नहीं हो सकते हैं। बट अगर आप घंटों तक व्हीट को अपने स्किन के ऊपर छोड़ देंगे तो इससे मे भी हो सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो आपके स्किन के साथ रिएक्शन करके आपके स्किन को डार्क बना सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि गाइडलाइन के अंदर ही व्हीट को यूज करें, लाइक 3-6 मिनट ही अपने स्किन के ऊपर व्हीट को अप्लाई करके रखें। इससे ज्यादा यूज करने से आपके स्किन डैमेज में भी हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप व्हीट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप अपने एल्बो के आउटर पार्ट पे थोड़ा सा व्हीट को अप्लाई करके पहले टेस्टिंग कर ले। व्हीट को यूज करने के 24 आवर तक अगर आपके स्किन के ऊपर कोई भी मेजर रिएक्शन नहीं होते हैं तो आप व्हीट को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी एंड सेफ प्रोसेस है, इससे आपके स्किन में कट्स आने की कोई चांसेस नहीं है। That's why व्हीट is my favorite and मैं इसको यूज करता हूँ पिछले 2 साल से, बट मुझे तो कभी स्किन डार्कनेस नहीं लगा और मैं इसको अभी भी यूज कर रहा हूँ। सो व्हीट इज ऑल राइट, आपको सिर्फ स्मार्टली यूज करना है, घंटों तक छोड़ देना नहीं है, बस दैट्स इट। तो ऐसे आप व्हीट को जरूर यूज कर सकते हैं। सो गाइस, यही था फुल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, इंस्टा ID के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।